सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो इससे पहले यार, मैंने मी बैंड 4 के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो एवेंजर्स बैंड मिलता है उसके ऊपर वीडियो बना के बताई थी कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है और आप देख पाओगे कि मैं वही स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि मैं दिन भर मी बैंड पहना रहता हूँ, देख सकते हो कितने सारे स्क्रैचेस हैं और कितने अच्छे से यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि उसमें वीडियो के एंड में बहुत सारे बबल्स आ गए थे मेरे लगाने से, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ कि वही स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। अभी तक मैंने इसको कुछ भी नहीं बदला है, तो देख सकते हो बबल वगैरह जो भी आपको लगाते टाइम आते हैं वो धीरे धीरे आपके सब गायब हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने उसमें हेट कमेंट करा था, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बस दिखाना चाहता था। तो उस वीडियो में यार मैंने आपको एक चीज़ और भी दिखाई थी यहाँ पे, जो कि एवेंजर्स बैंड था। उसके अलावा जैसे कि एवेंजर्स बैंड अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप एवेंजर एडिशन में चेंज कर सकते हो अपने मी बैंड को। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एवेंजर्स एडिशन ये बैंड भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे पिन भी मिल जाती है जो कि एवेंजर एडिशन के लिए आती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी इसके अंदर है। यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर तो होता ही होता है। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और दिखाई थी, एक नया आइटम है जो कि आपको मी बैंड के लिए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इसको क्या बोला जाए यार, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक नए तरीके का स्क्रीन प्रोटेक्टर, प्लस यहाँ पे आपको कुछ और भी हीरो टाइप्स के बने हुए मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको आज की वीडियो में दिखाता हूँ। उसके अलावा अगर आपको बाय करना है तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको सबका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, बेस्ट प्राइजेस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप मंगवाओगे तो आपको वाइप्स देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा ये टाइप का स्क्रीन प्रोटेक्टर जिसके अंदर हीरोज वगैरह बने हुए हैं। तो ये एक नए तरीके का स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है जो कि काफ़ी अच्छा है और आई थिंक इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि अगर आप अपने मी बैंड को देखोगे तो वो जितनी स्क्रीन है बस इतनी ही स्क्रीन उसमें रहती है, इससे ऊपर उसमें कोई स्क्रीन नहीं है, नीचे जगह खाली ही रहती है। तो ये चीज़ यार उसमें पूरी यूटिलाइज कर लेता है। ये मी बैंड के लिए आई थिंक सबसे बड़ा यहाँ पे धमाका होने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आप इसको लगा भी पाओगे अपने मी बैंड के ऊपर। तो मैं आपको एक लगा के इसमें दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये यहाँ पे ये लगाना है, तो सब चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ यार अपना जो पुराना वाला है इसको पहले हटा देता हूँ, स्क्रीन प्रोटेक्टर को। हटाने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, आप एक तरीके से कोना कोई अपना, अगर आपका शार्प नेल है तो आप यहाँ से इसको निकाल लो और आपका यहाँ पे निकल जाएगा। आपके बैंड में कोई भी दिक्कत नहीं होती है आपको हटाने से, देख सकते हो इस तरीके से पूरा क्लियर कट निकल आया है बाहर। अब हमको यहाँ वाइप दिया हुआ है तो वाइप से हम जल्दी से क्लीन कर लेंगे इस चीज़ को, और पहले वेट वाइप और फिर आपको यहाँ पे जो ड्राई वाइप देखने को मिलता है उससे हम क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे यहाँ पे। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये फुल टू ब्लैक है, यानी एच टू एच वाली जो हमको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलता है ना, उस तरीके का आपको ये स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ आपको एक नया लुक भी देखने को मिल जाएगा। तो कौन सी लगाई जाए यहाँ पे, तो सोच रहा हूँ सुपरमैन ही लगा लेते हैं, और क्योंकि पीछे तो मैंने मार्वल लगा रखा है, आगे सुपरमैन लगा लेते हैं। लगाना भी आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और चलिए यहाँ पे दो था, एक बैटमैन एंड सुपरमैन, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस टाइप से सुपरमैन वाली लगा के मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे लगाओगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। और इसकी अच्छी बात ये भी है कि यार आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ यहाँ पे आपको एक नया लुक भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो सुपरमैन वाला है, इसको यहाँ पे लगाऊंगा मैं आज अपने मी बैंड 4 में। और आपको सिंपली क्या करना है, इसका जो बैक कवर है यहाँ से आपको इसको पील ऑफ करना है और सिंपली स्टिक कर देना है। बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर आपको ये मैथड देखने को मिलता है। जो बैक स्क्रीन है आप उस तरीके से इसको पील कर सकते हो और ये आपको इस तरीके से क्लियर बाहर निकल आएगी। अब आपका ये मेथड जैसे भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो, मैं तो सिंपल पूरा निकाल के और पूरा यहाँ पे स्क्रीन के साथ पूरा फिट कर दूंगा, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सुपरमैन यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा सुपरमैन में और एकदम क्लियर कट आप यहाँ पे इसको देख के लगा सकते हो। ओके सो या, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लग गया है। और अगर आपके में कोई बबल वगैरह आते हैं तो आप इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करके आप इसको निकाल सकते हो और इस तरीके का आपको यहाँ पे ये लुक देखने को इसका मिल जाएगा। आप जितनी अच्छी तरीके से लगाओगे उतनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे इसका लुक भी देखने को मिलेगा और इस तरीके से आप पूरा लुक चेंज कर सकते हो अपने मी बैंड 4 का। और आई थिंक ये मी बैंड 3 में शायद चले, क्योंकि मी बैंड 3 की जो स्क्रीन है ना
थोड़ी सी कर्व्ड है तो उसमें थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन ये मी बैंड 4 में आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसको बाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल देखने को मिल जाएगा, आप बाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे है और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने मी बैंड 4 को। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, सी या।